तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके कोई भी फोन में यूट्यूब इस तरीके से प्रॉब्लम बता रहा है तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, आपकी ये वाली प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और दो मेथड बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ऐसा बताता है, ठीक है, वेरीफाई दैट्स इट्स यू। तो आपको इसमें नेक्स्ट करना है, यहाँ पर आपके जीमेल का पासवर्ड मांगता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी जीमेल का पासवर्ड डाल देना अगर याद हो तो। अगर आपको जीमेल का पासवर्ड नहीं पता है तो आपको बस फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो और यहाँ पर नीचे लेना है और ट्राई अदर वे पे क्लिक करना है, और आपको वापस से इसमें देख सकते हैं जीमेल बता रहा है, इस पर कोड गया होगा, ठीक है। तो उस कोड को यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास कोड नहीं है, जीमेल नहीं है, तो आपको क्या करना है, सीधा सा ट्राई अदर वे के नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक नंबर लेगा, ठीक है, जो फोन में होता है नंबर, वो ये देख सकते हैं जो आपके फ़ोन के अंदर जो 45 नंबर है ये बताता है, तो उस पर एक OTP जाएगा। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही टेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके एक OTP आएगा, जो आप ही आपको दिखाता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक OTP ले लेगा, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना पड़े तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो डालने के बाद में ऑटोमेटिक ले लेगा, वैसे देख सकते हैं ले लिया। उसके बाद में आपको अपडेट पासवर्ड यानी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अपडेट पासवर्ड करोगे तो आपको नया पासवर्ड बनाने का मौका देगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक नया पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो वाला पासवर्ड लगा देना है। तो सेम नीचे भी कन्फर्म में भी वही पासवर्ड लगाना है, तो और आपको सेव पासवर्ड क्लिक कर देना, आपका काम 100% हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये एक मेथड आपके वर्क ना करे तो आपको इसको जीमेल जो अंदर इसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे हटाना है। तो अगर आपके फर्स्ट वाला मैटर वर्क करे तो ठीक है, वरना आपको दूसरा वाला मैटर 100% वर्क करेगा, ठीक है। ये देख सकते हो प्रॉब्लम आ रही है अभी भी मेरे, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं जो बताता हूँ वो आपको करना है, ठीक है। तो जीमेल ओपन करके आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। तो सॉरी दोस्तों, मैं आपको पूरा एंड से बताऊंगा, ठीक है, शुरू से बताऊंगा। ये भी मेरे इस तरीके से ओपन हुआ, लेकिन आपके अलग तरीके से होगा। तो मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से आपके ओपन होगा जीमेल। तो मैं इसका क्लियर डाटा कर लेता हूँ ताकि ये एप्लीकेशन शुरू से चालू हो जाए, ठीक है। तो इसका मैंने क्लियर डाटा के लिए, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको इस तरीके से आएगा। तो आपको यहाँ पर गोटेड पर क्लिक करना है, उसके बाद में जीमेल पर क्लिक करने के बाद टेक मी टू जीमेल, इस पर क्लिक करने के बाद में आपके ऑप्शन आएगा 3 डॉट्स का। तो इस पर दबाने के बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपके जो जीमेल में जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उस पर क्लिक करना है, और 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना, और मैनेज अकाउंट, और उसके बाद में आपको यहाँ पर गूगल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। गूगल पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जैसे रेडमी में यहाँ पर नीचे आता है 3 डॉट्स, और आपके अदर्स फोन में यहाँ ऊपर आएगा, तो उस 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और रिमूव अकाउंट कर देना है, ठीक है। तो ये करने के बाद आपसे आपके मोबाइल के लॉक स्क्रीन का पासवर्ड मांगेगा, तो आपको उस लॉक स्क्रीन जो आपके फ़ोन में लॉक लगा हो उसका पासवर्ड डाल के कन्फर्म कर देना है, ठीक है। ये काम करने के बाद में आपको सीधा प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है, तो यहाँ पर आपको ये दूसरा ऑप्शन दे देगा दूसरा अकाउंट ऐड करने का, ठीक है। आप कोई भी अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं इसके अंदर, आप इस फोन के अंदर, या फिर नया अकाउंट, या फिर कोई भी अकाउंट बना सकते हैं जिससे आपके यूट्यूब, फोन पे, गूगल पे सब वर्क करेगा। बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कुछ भी नाम, यानी कि आप अपना रियल नाम भी डाल सकते हैं, या फिर मैं तो कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, आप इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी जन्म या डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2002 कर लेता हूँ, और यहाँ पर जेंडर में मेल कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये 2 जीमेल दे रहा है, तो मैं एक जीमेल सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं कुछ भी पासवर्ड लगा दूंगा, क्योंकि मेरे कुछ मतलब नहीं है, मुझे यूट्यूब वर्क कराना है, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं, अगर आपके ओके हो जाए सब कुछ, ठीक है, वरना ये वाले अगर प्रॉब्लम आए कन्फर्म डेट यूर नॉट एडोबल, तो यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है जो आपके फ़ोन में डला हुआ है। तो ये नंबर मुझे पता नहीं है दोस्तों कि इसमें मोबाइल के अंदर कौन सा नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिम कार्ड पर चेक करूँगा, तो दोस्तों देख सकते हैं एयरटेल का नंबर है, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों कि नंबर निकालूंगा USD कोड के थ्रू, तो यहाँ पर *282# डालूंगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कॉल लगाऊंगा तो यहाँ पर नंबर शो हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा टाइम, अभी क्या सर्वर की दिक्कत आ रही है दोस्तों, जो ज़्यादा टाइम लगा तो मैं यहाँ पर बैक करूँगा और मैसेज में इसको अच्छा सर्च करूँगा नंबर को कहीं पे, मैसेज में अगर पड़ा हो, रिचार्ज आया हो या गया हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसमें मैं सर्च करूँगा, ठीक है। तो अभी USD कोड रनिंग चल रहा है, तो इसमें 10 तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करूँगा दोस्तों, मैं शायद बैक कर देता हूँ, कुछ मतलब नहीं है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, सर्वर की अभी प्रॉब्लम चल रही है एयरटेल में, तो मैं इसमें बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं सीधा क्या करूँगा दोस्तों, या तो आप किसी का कॉल लगा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कॉल नहीं लगाऊंगा किसी का भी, ठीक है। मैं सीधा मैसेज के अंदर ढूंढ लूँगा नंबर, आप कॉल लगा के दूसरे फ़ोन में आपका नंबर चला जाएगा, तो वो नंबर डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कहीं पर अगर मुझे नंबर दिख जाए, इस फ़ोन में जो सिम डला हुआ है उसका नंबर दिख जाए तो अच्छा रहेगा, तो मैं वहाँ पर सीधा नंबर डाल दूंगा, ठीक है। तो
मैं यहाँ पर दोस्तों मुझे नंबर दिख चुका है ठीक है, तो मैं हरी पट्टी लगा इसलिए लगा रखी है दोस्तों कि आपको नंबर ना दिखे, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखना पड़ता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर पूरे को कॉपी कर लेता हूँ ठीक है, क्योंकि पूरा कॉपी होगा, नंबर नंबर ओनली कॉपी नहीं हुआ। तो मैं इसको नोटबुक में पेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ओनली नंबर चाहिए और फालतू आइटम नहीं चाहिए ठीक है। तो मैं यहाँ पर वापस इसको पेस्ट कर दूंगा ठीक है। अब यहाँ पर से मैं ओनली नंबर को कॉपी करूँगा ठीक है। तो ये नंबर को मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो यहाँ पर नंबर मांग रहा था अपना, तो यहाँ पर अपना नंबर डाल देना है। तो ये ऑटोमेटिक आपसे ओटीपी लेगा और ऑटोमेटिक ले लेगा ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गूगल वाला सिस्टम है ठीक है, ये देख सकते हैं। तो मैंने बताया था अगर योवर रोबोट ये भी बता रहा था नंबर लेने का, तो अगर वो नहीं बताएगा तो इस तरीके से आपके आगे बढ़ते चले जाएगा ठीक है। आप इस तरीके से बढ़ाते रहना है, आपको आगे बढ़ाते रहना है जब तक कि आपको पूरा प्ले स्टोर ओपन ना हो जाए ठीक है। ये देख सकते हैं गूगल प्ले सर्विस, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट मोर जो भी मांगे ये जब परमिशन आपको दे देनी है। ये देख सकते हैं मेरे अब फोन पे गूगल पे यूट्यूब सब वर्क करेगा ठीक है। ये देख सकते हैं अभी मैं आपको यूट्यूब चेक कराता हूँ, तो अभी देखना दोस्तों ये वे वर्क कर रहा है ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो दिल से तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि और भी लोगों के पास शेयर कर सको इस वीडियो को। तो बाय बाय दोस्तों।